हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सोनी कौर और मैं मुंबई से हूँ। आज है 24 मार्च और आज मेरा बर्थडे है। लेकिन आज जो माहौल है बाहर, हम कहीं आ जा नहीं सकते, ना ही मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर रह के खुद ही अपना सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से खाना बना के अपने लिए स्पेशल, आज हम घर में कुकिंग करेंगे, घर में हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो जिसके लिए मैंने आज, मुझे पनीर बहुत पसंद है तो आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ शाही पनीर मसाला। तो जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हींग, और कढ़ाई में मैंने तेल ऑलरेडी गर्म करने रखा हुआ है। ये सारे गर्म मसाले खड़े, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची और काली मिर्च। ये पनीर को मैंने क्यूब्स में ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। इसमें 2 से 3 टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। इससे मैंने एक बड़ा प्याज और थोड़े से काजू डाल के इसे पीसा है, इससे कि ग्रेवी थिक होगी और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मिल्क है और ये फ्रेश मिल्क की क्रीम है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तेगी मिर्च और कसूरी मेथी। सो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने बनाना कैसे है। जिसके लिए हम पहले कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम ये हींग डालेंगे। देख रहे, तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो ये ऑलरेडी क्रैक होने चालू हो गया है। और इसके बाद ये जितने भी खड़े मसाले मैंने निकाले हैं ये सब हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं आवाज़ इसकी। और इसके बाद जैसे ये हो जाए हम इसमें ये प्याज की पेस्ट डालेंगे। काफ़ी ब्राउन हो गया है तो अब इसमें हम प्याज की पेस्ट डाल रहे हैं और इसे लो मीडियम पे बनाना है, ज़्यादा गर्म नहीं। और हम अच्छे से भूनेंगे, ज़्यादा भी इसे हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का ब्राउन होने तक इसे भूनना है हमने। जैसे कि आपने देखा कि ये हल्का ब्राउन हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना। और अभी हम इसमें अभी हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। एकदम थोड़ी सी, और इसे अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अगर आपको लगे कि पक रहा है मसाला नीचे, तो गैस स्लो कर दीजिए और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। हमारा मसाला भून रहा है, अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छे से प्याज और कड़े मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। कोशिश करिए चिपके ना, और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जितना हो सके इसको अपने आप भूनने दीजिए, और जैसे ये तेल छोड़ेगा हम इसमें बाकी सामग्री डालेंगे। तब तक अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों के लिए ये मेरे पास मसाले का डब्बा है। हमने इसे ज़्यादा स्पाइसी भी बनाना है, क्योंकि ज़्यादा कर ये थोड़ा मीठा और लाइट माइल्ड में होता है, तो इसे हम कम में ही करेंगे, कम मसाले। तो सबसे पहले हमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्की सी ये लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, वैसे नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा बट हल्की सी, और इसे हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। इसमें और कलर देने के लिए अब हम इसमें डालेंगे ये MDH की तेगी मिर्च। ये स्पाइसी नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए है। सो आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे डाल सकते हैं या जितना कलर आपको चाहिए। मैं फ़िलहाल ये 2 जन के हिसाब से बना रही हूँ, 2 से 3 जन आराम से खा ही सकते हैं। इसे अच्छे से भूनने देंगे। और मेरे पास एक ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है, कोहिनूर का पनीर बटर मसाला। ये इसमें इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, तो ये हम इसमें डालेंगे। इसमें एकदम ऑथेंटिक पनीर मक्खनी का फ्लेवर आएगा, और इसे हम अभी अच्छे से भूनेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता, और उसके बाद हम इसमें बाकी सामग्री डालेंगे।
क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होएगा उतना अच्छा आपका मसाला बनेगा और उतनी टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। सो इसे आराम से इसे अच्छे से भुनने दीजिए। हम अब डालेंगे ये सेंधा नमक है या हिमालयन सॉल्ट भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, एक डेढ़ चम्मच के आसपास आपने डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। जितना आपको लाइट चाहिए तो आप कम डालें, नॉर्मल चाहिए तो 1/4 चम्मच नमक डालें। और इसे हम अभी अच्छे से भुनने देंगे। और अगर आपको लगे कि मसाला हल्का सा चिपक रहा है नीचे, तो एकदम थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं, एकदम थोड़ा सा, ताकि ये मिक्स हो जाए और ये मसाला चिपके नहीं। ताकि इसे भूनने में आसानी होए और अच्छे से ये मसाला भून जाए। एक दो मिनट के लिए अच्छे से कम 2 मिनट कोशिश कीजिए अच्छे से मसाले को भूने, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा ना उतना और स्वादिष्ट आपकी ग्रेवी बनेगी और डिश बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और इसमें और फ्लेवर के लिए हम अभी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये मेरे पास MTH की कसूरी मेथी है, इससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। आप कोई भी सब्ज़ी में डालिए या कोई भी ऐसे डिश बनाइए उसमें आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सब्ज़ी का स्वाद बढ़िया हो जाता है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है और अब हम गैस को स्लो करेंगे और इसमें अभी हम ये फ्रेश क्रीम है वो डालेंगे। हमें ज़्यादा हैवी नहीं बनानी है तो इसके लिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ी सी। प्लीज़ ज़्यादा हैवी हो जाती है फिर खाने नहीं होती है, वो बहुत हैवी हो जाती है। को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम अभी दूध डालेंगे और स्लो पे ही दूध और क्रीम जब भी डालना है गैस एकदम स्लो कर दें, सिम कर दें फिर डालें, नहीं तो ये फट सकता है। और इसे अच्छे से भूनें, मसाला क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए एक साथ। अच्छे से मिक्स, ये देख लिया कलर अभी अब ग्रेवी का कैसा हो गया, एकदम क्रीमी। हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे। अब देखिए कलर कितना प्यारा कलर आ गया है। और इसमें आप चाहें तो गुड़ की शक्कर भी डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं। सो हम इसमें गुड़ की शक्कर डालेंगे। मेरे पास गुड़ की शक्कर है सो ये मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, ज़्यादा भी नहीं डाली, जिससे अच्छा मक्खनी का फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। और इसे हम अच्छे से एक थोड़ा सा उबाला आने देंगे और उसके बाद हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे और हमारी डिश रेडी है टू सर्व। ये देखिए मैंने ज़्यादा थिक भी नहीं बनाई ना ज़्यादा पतली, एकदम मीडियम रखी है। और इसमें ये क्यूब्स है पनीर के हम डालेंगे। और ये हमारा शाही पनीर एकदम तैयार है, एकदम होटल स्टाइल। हम चाहें तो सब कुछ बना सकते हैं घर में अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करें तो सब कुछ बन सकता है घर बैठे ही। वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स में भी लोग ही बनाते हैं और सिर्फ रेसिपी की देर है, आपको सिर्फ रेसिपी पता होनी चाहिए और सामग्री पता होनी चाहिए
किसकी कितनी क्वांटिटी डालनी है और किसका कैसे मिश्रण करना है, तो आप ये देख सकते हैं। ये लीजिए हमारी ग्रेवी तैयार है, हमारी पनीर मखनी मसाला तैयार है, और या फिर पनीर बटर मसाला। आप इसे चाहें तो नान के साथ खा सकते हैं, रुमाली रोटी, गार्लिक नान, या सादी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। सो ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। खाली बैठे हैं घर में तो अभी क्वारंटाइन टाइम है, तो सब मिलके कुकिंग से ही हम एक्सपेरिमेंट घर में नई नई चीज़ें बना के तैयारी करें और अपने परिवार और अपने दोस्तों को खिलाएं। सो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।